मन को भा गए। और पुलिस विभाग ने इतने प्यार से बुलाया, हम लोखंड वाला से चलकर आपके बीच में आ गए। मैं चार लाइन सुनाता हूँ। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। बहुत अच्छे देश के बहुत अच्छे नागरिक मेरे सामने हैं। मैं दो लाइन बच्चों के लिए कहता हूँ। बच्चे जाके मम्मी डैडी को समझाएंगे, बच्चे जाके मम्मी डैडी को समझाएंगे, अब हेलमेट लगाकर ही सब स्कूटर चलाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। बहुत सारी बातें जो सड़क पर चलने के नियम है वो अभी आपको बताए जाएंगे। बहुत सारी बातें आप समझते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे 18 के पहले कोई गाड़ी नहीं चलाना, न फोर व्हीलर न टू व्हीलर, बिना लाइसेंस के मत चलाना। चलिए मैं बहुत सारे दोस्त लोग सामने बैठे हैं, मैं इनके सामने कुछ हंसी की फुलझड़ियाँ छोड़ता हूँ। आयुष्मान जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तो गजब करे, आप तो आमिर खान के साथ कितनी फिल्मों में आपको देखा, आज यहाँ रूबरू जीवित देख रहा हूँ, पहली बार आपको जीवित देखा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मेरे लिए 5 मिनट है ना मैम, 5 मिनट है ना, हाँ चलो 5 मिनट की मैं बातचीत बताता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हमारे जमाने में सर बच्चे पैदा होते थे, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते हैं। और ये नई पीढ़ी बड़ी खतरनाक पीढ़ी है, ये किसी को भी निपटा देती है, इनसे सवाल करो ये गलत जवाब देते हैं। और पिछले 15 अगस्त के दिन पूरे देश ने आज़ादी मनाया, मैंने भी मनाया, मेरी पत्नी सुबह से चुप बैठी, 1 घंटे मैंने अपने कमरे में ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। मेरी पत्नी इतना बोलने वाली, पहली बार चुप बैठी, मगर 2 घंटे में मुझे घबराहट हुई, मैं घर से बाहर निकला, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा, मैंने बच्चे से पूछा बेटा तेरी मम्मी ने रोज़ा रखा है, बोले नहीं, उपवास रखा है, बोले वो भी नहीं, मैंने कहा मौन व्रत होगा, बोले वो भी नहीं, फिर मैंने कहा ये बता तेरी मम्मी 2 घंटे से चुपचाप क्यों बैठी है। मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया। इतने इतने बदमाश बच्चे हैं, इनसे पूछो कुछ ये कब किसको कहाँ निपटा दे समझ में नहीं आता। अब देखो मुझे मेरे दादा दादी नाना नानी बचपन में बताते थे कि बेटा जब बच्चा जन्म लेता है माँ बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरती है, ममता का ऐसा जादू होता है, बच्चे के सर पे बाल उगना शुरू होते हैं, धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे, उन्हें प्रणाम करता हूँ, वो बहुत से तो ऐसे बैठे जैसे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा, उन लोगों को मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर, इतने सारे अनुशासित बच्चे हैं, बच्चों को देखकर बहुत मन खुश होता है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मेरी बहुत सारी कविताएं आपने सुनी, बहुत सारा प्यार मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, वो आपको संबोधित करेंगे दो दो लाइन, लेकिन मैं जाते जाते अंतिम 4 लाइन इस देश के लिए सुना कर जाता हूँ कि इस देश के तिरंगे के लिए आप भी सम्मान करना। सिद्धू जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैंने सिद्धू जी से बड़े प्यार से पूछा सर देश का तिरंगा झंडा उसके 3 रंग है, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफ़ेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है, इसमें आप लोगों का क्या है। सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का। इस देश में सबका योगदान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने शहादत दी तो देश आज़ाद हुआ,
देश के तिरंगे के लिए चार लाइन पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप देश के तिरंगे का सम्मान कीजिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सड़क सुरक्षा सप्ताह है और रास्ता सुरक्षा सप्ताह के एक एक नियम दिमाग में रख के जाना। और मैम, हमारे यहाँ एमपी में बहुत अच्छा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सुरक्षा सप्ताह में एक गाड़ी आ रही थी, फोर व्हीलर, आगे बेटा चला रहा था, पीछे मम्मी पापा बैठे, इतने बेहतरीन गाड़ी चला रहा था सर, लेफ्ट साइड से, स्पीड भी 20 की थी। तो वो जो हवलदार थे बहुत खुश हुए, बोले इसका सम्मान करना चाहिए। उस लड़के को गाड़ी रोके, बाहर निकाले, बोले इतनी अच्छी तेरा हम सम्मान करना चाहते हैं, बेटा ये 500 रुपया रख पहन और पूछे कि ये तू 500 रुपये में क्या करेगा। तो लड़का बोला सबसे पहले मैं लाइसेंस बनाऊंगा, वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहा था। तो उसके पिताजी पीछे से बोले इसका भरोसा नहीं करना, ये दारू पी के ऐसी बात करता। उसकी मम्मी बोली देखो मैंने पहले ही समझाई थी दोनों कमीनों को, चोरी की गाड़ी ज्यादा आगे तक नहीं जाए, तो ऐसा काम मत करना, चोरी की गाड़ी चलाना, शराब पी के गाड़ी मत चलाना, और उस टाइप का काम मत करना। आप सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहेगा, आप देश का भविष्य है, बड़े होकर आप देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी में से शाहरुख खान बनेंगे, इसी में से सलमान खान बनेंगे। ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आणि आपल्या या लाडक्या अभिनेत्यासाठी बोलण्याची गरज असणारी तो स्वतः थोडंसं कौतुक आम्हाला सुद्धा करू देत ना आयुष्मान, आपल्या सगळ्यांचा लाडका आवडता अभिनेता आयुष्मान खुराना आता यानंतर आपल्या बरोबर सांगायचं। थैंक यू सो मच एहसान जी, आपके लिए हंसाने के लिए बहुत बड़ा ऐसा एहसान है। इस बंदे का नाम आयुष्मान। श्रोतागण को नमस्कार, यहाँ पर जितने भी बड़े बैठे हैं मुझसे उनको सादर प्रणाम, और जितने बच्चे हैं वो सदा रहे भाग्यवान। इस नाचीज का नाम है आयुष्मान। ये सुरक्षा सप्ताह तो चल रहा है, आप अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सोचिए, क्योंकि आपके जो घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ बाप हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हैं उससे ज़्यादा प्यार वो आपसे करते हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद माँ बाप बनेंगे। अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप आगे जाकर देश को चलाने वाले हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमारा देश नासमझ हो जाएगा, इसलिए आपका समझदार होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो अभी तक गाना मेरा चल रहा था पानी दा रंग, मैं दो लाइनें गा लेता हूँ और ऐसे चला जाता हूँ। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझणा ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझणा ना आया, खाना नूर देख के अखियां चमचूर जदों बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू, मिट्टी दी खुशबू आई। थैंक यू सो मच, आई विश यू गुड लक, ब्लेसिंग फॉर लॉन्ग लाइफ आयुष्मान भव। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आणि आपल्या अत्यंत व्यस्त अशा शेड्यूलमुळे आपला लाडका अभिनेता आपल्याला बाय बाय करतो।